Friends, मेरे वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज एनालिसिस करेंगे हेड का और करेंगे इसमें क्या -क्या तो चेक करेंगे क्या क्या चीजें हमें उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पूरे हैंड का जो अनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है स्क्वायरि शेप में नजर आ रही है कुछ इस तरह की जो शेप है इनकी हथेली की जो यहां पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी फिंगर्स हैं बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है और जो इनकी मरकरी फिंगर है वो हल्की सी टिल्टेड भी नजर आ रही है इसकी वजह से मरकरी का थोड़ा सा वीक होना स्वाभाविक है लेकिन अगर इनकी बाकी की फिंगर्स को देखा जाए जैसे इनकी सूर्य शनि और गुरु फिंगर्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली यहाँ पर नजर आ रही हैं फिंगर्स के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हैं कुछ इस तरह की बारीक लाइनें जो आप इस शेप में देख सकते हैं लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर मौजूद है इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है बहुत ही शुभ होता है और यह रेखाएं व्यक्ति को एक बहुत अच्छी नेचर तहजीब वाली नेचर देती हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत ही फ्रेंडली मैनर्स का होता है और अगर देखा जाए यहाँ पर इनकी फिंगर्स की लंबाई को तो सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बृहस्पति फिंगर काफी अच्छी लेंथ में जो यहाँ पर दर्शा रही हैं बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज को एंड नॉलेज को और अगर शनि फिंगर की बात की जाए शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है ऐसी शनि फिंगर वाले व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं और अपने इसी हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की पा लेते हैं अब बात करते हैं कि सूर्य फिंगर की सूर्य फिंगर आप देख सकते हैं बिल्कुल सटी हुई है और शनि फिंगर के साथ बिल्कुल सटी फिंगर है और बिल्कुल अच्छी लंबाई में नजर आ रही हल्का सा जो काव है इनकी फिंगर्स का जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ये फिंगर्स शनि फिंगर्स की तरफ टिल्ट हो रही हैं जो लाइफ में थोड़ी वैराग्य की भावना इनको दे सकती है अदरवाइज सूर्य फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर काफी अच्छी है जिस वजह से क्रिएटिविटी इनके भीतर काफी अच्छी रहेगी कि अच्छा सोशल सर्कल भी यह अपनी लाइफ में बना पाएंगे अब बात करते हैं मरकरी फिंगर की मर्करी फिंगर यहाँ पर हल्की सी टिल्टेड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की टिल्टेशन इस फिंगर में और एक गैप आपको यहाँ पर मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में नजर आ रहा होगा इस तरह का गैप होने से व्यक्ति की नेचर थोड़ी सी जिद्दी हो सकती है थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव रहने की संभावना और इस फिंगर का थोड़ा सा वीक होना कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी दिक्कत इनको दे सकता है और इवन ऐसे व्यक्ति के बेशक अगर नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी लेकिन कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेट करते समय इनके पास सही समय पर सही शब्द नहीं मिल पाते इस तरह की दिक्कतें व्यक्ति को आती हैं या कई बार स्टैमरिंग जैसी प्रॉब्लम होने की संभावना भी बढ़ जाती है जब मर्करी फिंगर शॉर्ट हो चलिए आगे देखते हैं इनके सभी माउंट्स को और यहां पर चीज देखने वाली है इनकी फिंगर्स जो है बिल्कुल भी गैप शो नहीं कर करें ये वाली फिंगर्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है सिर्फ इनकी मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में गैप है अगर इन फिंगर्स में भी गैप आ जाए तो व्यक्ति को धन से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन सिर्फ मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में गैप होना व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाएगा जिद्दी स्वभाव और रिलियन टाइप की नेचर व्यक्ति की हो सकती है अदरवाइज यहां पर बाकी के फिंगर्स के बीच में गैप का ना होना बहुत ही अच्छा योग है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को उसके बाद हम चेक करेंगे सभी रेखाओं को भी तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट और मरकरी ये थोड़े से लो सेट हो रहे हैं मरकरी माउंट बेशक यहाँ पर हल्का सा लो सेट नजर आ रहा है लेकिन इसके ऊपर खड़ी रेखाएं होना बहुत ही शुभ माना जाता है इस तरह की रेखाओं को हम मेडिकल स्टिकमाटा का नाम देते हैं ये रेखाएं जिनके बारे में बात कर रहा हूं आप देख सकते हैं यहां पर पांच से छह रेखाएं मौजूद हैं इस तरह की और इन रेखाओं को बहुत ही अच्छा माना जाता है इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम भी दिया जाता है ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं सोशल वर्कर टाइप की पर्सनालिटी और सोच रखते हैं और अपने कर्मों से शब्दों से अपनी बातों से दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की काबिलियत इनके भीतर होती है बेशक यहाँ पर मरकरी फिंगर थोड़ी सी वीक जरूर है लेकिन यहाँ पर यह जो चिन्ह इनके मरकरी माउंट पे बन रहा है यह काफी हद तक इन्हें बहुत लाभ देने वाला है और काफी अच्छे इनके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी एनहेंस करने में इनकी मदद करने वाला है आगे आप देख सकते हैं इनके सूर्य माउंट को सूर्य माउंट यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है सूर्य रेखा यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है सूर्य रेखा आपको बताना चाहूंगा किस एरिया में होती है कोई इस तरह की अगर एक लंबी रेखा यहां पर मौजूद हो जो यहाँ तो बिल्कुल सीधा सेंटर से चले या इसी लाइन से निकल जा रही कुछ इस तरह से इस रेखा इस माउंट तक पहुंच जाए ऐसी कोई रेखा मौजूद हो उसको सूर्य रेखा कहा जाता है अगर सूर्य रेखा मौजूद हो तो व्यक्ति बहुत नेम एंड फेम पा लेता है लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा का ना होना यह दर्शाता है कि यश मिलने में दिक्कतें आएंगी और इवन इस साइज की सूर्य रेखा अगर बहुत छोटे साइज की यहाँ पर एक सूर्य रेखा कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आ रही है जो यहाँ पर यह दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को जो रिकॉग्निशन है सोसाइटी में वो लिटरेज में चलकर मिल पाती है अगर हम बात करें शनि माउंट की माउंट यहां पर बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है फ्लैट शनि माउंट हो और शनि फिंगर स्ट्रांग हो तो व्यक्ति काफी मेहनती होता है और लाइफ में अपनी हार्डवर्क के जरिए काफी अच्छी तरक्की पा लेता है लेकिन अगर साथ साथ भाग्य रेखा भी मौजूद हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यहाँ पर यही चीज आप देख सकते हैं कि लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है जो इन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है बेशक थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन लाइफ में रहेंगे क्योंकि कुछ राहु रेखाएं मौजूद हैं अदरवाइज यह एक लंबी भाग्य रेखा इस तरह से चलती हुई यह इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति विदेश जा सकता है वहां से धन कमा सकता है और इवन अगर अपने कंट्री में रहकर ही धन कमाना चाहे तो भी विदेश से धन आने की जो संभावना है बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी किसी ऐसी ऐसी कंपनी में या संस्था के साथ जुड़ सकता है जिसका ताल्लुक फॉरन से हो और वहां से धन की इनकम ऐसा व्यक्ति जनरेट कर सकता है इस तरह की लंबी भाग्य रेखा होना व्यक्ति को कंफर्टेबल लाइफ देती है ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बेशक धन बहुत ज्यादा ना रुके लेकिन धन की कमी कभी नहीं होती क्योंकि ऐसा व्यक्ति लगातार प्रोग्रेस करता जाता है और धन लगातार आता रहता है आगे चेक करते हैं इनके गुरु माउंट को अब देख सकते हैं यह बृहस्पति माउंट का एरिया हल्का सा लो सेट हो रहा है लेकिन यहां पर एक क्रॉस का चिन्ह कुछ इस एरिया में आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बृहस्पति माउंट पर अगर बने तो यह बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह है इस चिन्ह की वजह से व्यक्ति को लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं सबसे पहले तो ज्ञान के कारक का है बृहस्पति जी तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है जिनके बृहस्पति माउंट पर कोई भी शुभ चिन्ह हो उसके साथ-साथ अपने परिवार का सुख अच्छी फैमिली और इवन मैरिड लाइफ में भी यह जो क्रॉस का चिन्ह सपोर्ट करता है ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में इनिशियली कुछ दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन यहां पर क्रॉस होने की वजह से व्यक्ति की मैरिड लाइफ काफी अच्छी रहती है चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है कुछ इस तरह की इनकी हार्ट की लाइन जो एक अच्छा कर्व बनाती हुई और यहां पर एक ब्रांच बाहर की तरफ चलती हुई इस तरह का जो चिन्ह बनता है जिसको वी सिंबल कहा जाता है वो इनकी हार्ट की लाइन के अंत में काफी क्लियर बन रहा है इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल का नाम भी दिया जाता है और जिनकी भी थैली पर ऐसा चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छी तरक्की करते हैं लेकिन जिनकी भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सुजेस्ट करता हूं कि कभी भी किसी भी तरह के अनफेयर मीन से पैसा कमाने की कोशिश ना करें क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में रुकावटें आ सकती हैं ऑब्स्टेकल्स बढ़ सकती हैं और जो प्रोग्रेस है वो रुक सकती है उसके साथ साथ यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन काफी अच्छे में होने की वजह से या काफी इमोशनल भी रहेंगे और यहाँ पर कुछ हल्की रेखाएं ऐसी बारीक रेखाएं जो नीचे की तरफ चल रही हैं ऐसी रेखाएं होना यह इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति इमोशनली काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने किसी भी ऐसी रिलेशनशिप में जिसकी वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटी जैसी दिक्कत ऐसे व्यक्ति को आने की संभावना रहती है जब ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस काफी ज्यादा हार्ट लाइन के नीचे मौजूद हों आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को माइंड की लाइन यहाँ पर मीडियम साइज है आप देख सकते हैं यहां तक या बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई आगे चलकर एक हल्की ब्रांच इसको कवर अप करती हुई कुछ इस तरह की इनकी माइंड की लाइन की फॉर्मेशन जो यहाँ पर दर्शाती है के कुछ एज के बाद अराउंड की एज के बाद थोड़ी सी मेमोरी का वीक होने की संभावना रहेगी क्योंकि तो यह जो पोर्शन है इनकी माइंड लाइन का थोड़ा सा कमजोर हो रहा है और उससे पहले ये एक स्ट्रेट माइंड लाइन जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स व्यक्ति को देती है और इस तरह की सीधी माइंड लाइन का होना व्यक्ति को काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है तो यहाँ पर यह माइंड की लाइन को काफी अच्छे रिजल्ट देने वाली है लेकिन फिर भी यहां से इस माइंड लाइन का थोड़ा सा वीक होना थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर मेमोरी से रिलेटेड व्यक्ति को दे सकता है आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को लाइफ की लाइन यहाँ पर काफी अच्छी लंबाई में और पूरी अच्छी तरह से कर्व्ड है जो शुक्र माउंट को कंप्लीटली uh, कवर करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है लेकिन इसमें से कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो बाहर की तरफ चल रही हैं इस तरह की ब्रांचेस का होना और इस एरिया में इस तरह का चिन्ह बनना फिश जैसा सिंबल बनना ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि ऐसा व्यक्ति लाइफ में कई बार फॉरेन ट्रेवल्स करेगा विदेश यात्राएं रहेंगी और जब भाग्य रेखा भी चंद्र माउंट से ही निकले जैसे यह रेखा जो जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं यह रेखा भी मून एरिया से ही चले तो इस चीज की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसा व्यक्ति विदेश जाता है और वहां से काफी अच्छा धन भी कमा सकता है तो यहां पर इस चीज की संभावना काफी स्ट्रांग हो रही है और अगर इनके शुक्र माउंट को देखा जाए तो शुक्र माउंट के ऊपर कुछ वरी लाइन मौजूद हैं ऐसी रेखाएं बारीक लाइनें जो रहती हैं या व्यक्ति को वरीस देती हैं फैमिली मैटर से रिलेटेड वरीज या मैरिड लाइफ से रिलेटेड थोड़ी बहुत वरीज व्यक्ति को होने की संभावना रहती है लेकिन अगर यह माउंट उभरा हुआ होता है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह माउंट इनका काफी प्रोमिनेंट है वेल डेवलप्ड है यहाँ पर इस माउंट का उभरा हुआ होना यह भी इंडिकेट करता है कि लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं लग्जरीज व्यक्ति को सहज ही मिल जाती हैं और अगर हम बात करें इनके चंद्र चंद्रमाउंट की चंद्रमाउंट हल्का सा वीक नजर आ रहा है जैसे हमने इनकी माइंड लाइन को देखा यह भी यहाँ पर कुछ एरिया में आ गया अगर वीक हो रही है यहां से और इवन इनका जो चंद्रमाउंट है यहाँ पर इस पर थोडी छोटी छोटी काफी सारी रेखाएं इस तरह की रेखाओं का होना यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को एंग्जाइटी जैसी दिक्कत होने की संभावना रहेगी और ओल्ड एज में चलकर थोड़ा सा डिप्रेशन या तनाव जैसी दिक्कत होने की संभावना भी यहाँ पर इनकी जो मस्तिष्क रेखा है दर्शा रही है तो यह है कुछ एनालिसिस अनालिसिस इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद